हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ पंकज एंड आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस पार्ट वन। ओके, सो इसके अंदर आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में मैं क्या बताऊँ अब, ठीक है। इट्स अ नंबर सिस्टम, इज अ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द रियल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें तो एक बात पता है कि नेचुरल नंबर इज अ वेरी बेसिक टूल फॉर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो नेचुरल नंबर, पहली बात, कुछ नोटेशन होते हैं जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। सो आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेचुरल नंबर जो होते हैं उसे डिनोट किया जाता है स्क्रिप्ट एन, लाइक दिस। रियल नंबर स्क्रिप्ट आर, इस तरह से। रैशनल नंबर स्क्रिप्ट क्यू, इस तरह से, ठीक है। बाद में सिंबॉल्स की मीनिंग बताता हूँ। ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट। ये उल्टा ए होता है फॉर ऑल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर और फील्ड डायग्राम। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूं आपको अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर और फील्ड डायग्राम। अभी तो किसको कहते हैं ये फील्ड डायग्राम? ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर देर आर टू बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेप। मतलब देखो, आप अगर कभी मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन मीन्स वॉट, किसी को जोड़ना, घटाना, गुना करना, ठीक है, डिवाइड करना, उसे कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। दो नंबर के बीच में क्या प्रोसेस चल रही है उसे कहते हैं एक्चुअली ऑपरेशन, ठीक है। बेसिकली वहां पे दो ही मेन ऑपरेशन है, पहला है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन डिविजन का क्या? So, देखो सबसे पहले बेसिक बात ये बता देता हूँ कि अगर मैंने 3-2 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? खत्म, एक ही बात हुई। अगर 3/2 लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3×1/2? सो इससे ये प्रूव हो जाता है कि देर आर जस्ट ओनली टू ऑपरेशन, फर्स्ट वन एडिशन, सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो अगर रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर देते हैं तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज और फील्ड डायग्राम। वो 11 होते हैं, कौन से? सबसे पहले देखो क्लोजरनेस। सबसे पहला क्या है? क्लोजरनेस, मतलब क्या? हियर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है ए वन। ए वन का मीनिंग होता है एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हमने दो बाइनरी ऑपरेशन डिक्लेयर किए, पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन। सो एडिशन के चार, 4+1 आइडेंटिटी का मिला के, मल्टीप्लीकेशन के भी पांच, ऐसे ये 5, 5, 10 हो जाते हैं एंड वन इज एडिशनल ऑपरेशन जो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हमें ऐसे 11 प्रॉपर्टीज सीखनी। तो जो भी एडिशन की प्रॉपर्टीज होंगी वो ए वन से डिनोट की जाएगी, मतलब ए वन मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक दिस। सो सबसे पहला है क्लोजरनेस। अगर कोई भी दो नंबर है जो रियल नंबर के बिलोंग करते हैं तो उनकी एडिशन भी रियल नंबर में जाएगी, मतलब 3, 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो उसकी एडिशन भी कहाँ जा रही है? रियल नंबर में जा रही है, लाइक दिस। वेरी सिंपल, ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ये प्रॉपर्टीज बस आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। सेकेंड वन कम्यूटेटिविटी। सो कोई भी दो नंबर ले लो ए बी, सो उनके एडिशन उसका रिवर्स भी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब देखो 3, 4 बिलोंग्स टू आर, तो अगर मैं 3+4 ले लूँ या 4+3 ले लूँ, बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल, इस तरह से। थर्ड वन A3 इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब वॉट? तीन नंबर लगते हैं यहाँ पे, A, B, C, ये रियल नंबर में होने चाहिए। सो ए प्लस बी की पहले एडिशन करो देन उसके अंदर C ऐड करो, अदरवाइज B+C की पहले एडिशन करो या उसके अंदर A ऐड करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब क्या? सपोज करो 1, 2, 3 बिलोंग्स टू R, ऐसा है, तो 1+2 और देन 3 ऐड करो, अदरवाइज 1 को बाहर रखो
टू प्लस थ्री को पहले ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, थ्री प्लस थ्री सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अभी आइडेंटिटी क्या चेक कर देखो, दो नंबर है ए बी, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी का आंसर मुझे ए आना चाहिए, ठीक है। सो बी की वैल्यू क्या होगी, ये सपोज करनी है हमें। यहाँ पे देखो, ये तो कॉमन सेंस है, बी की वैल्यू जीरो रहेगी तभी आंसर ए आएगा, ठीक है। सो देयर फोर बी इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स वॉट, उनकी एडिशन अगर की दो नंबर की तो वही नंबर आना चाहिए, मतलब ए प्लस बी किया तो ए आना चाहिए, इस तरह से। तो बी आइडेंटिटी हो जाता है। सो एडिशन में आइडेंटिटी होता है जीरो, ठीक है। मतलब थ्री प्लस समथिंग इज इक्वल टू थ्री, सो फिल इन द ब्लैंक, यह इज द जीरो, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग व्हाट, कि अगर कोई भी दो नंबर ले लो ए एंड बी, सो क्या हो जाता है, दोनों की एडिशन आइडेंटिटी आती है। दोनों की एडिशन क्या आ जाती है, आइडेंटिटी। मतलब दो नंबर है थ्री एंड समथिंग, इनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, एडिशन में जीरो। सो थ्री प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस थ्री। सो माइनस थ्री इज द इनवर्स। हमने देखा है इनवर्स क्या होता है, एडिशन में इनवर्स क्या होता है, उसकी निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू दी हो उसे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना तो वो हो जाता है उसका इनवर्स। तो माइनस फोर का इनवर्स क्या आ जाएगा, प्लस फोर। अब मैंने क्या बताया, जो भी नंबर हो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे माइनस फोर दिया था, ठीक है, सो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम फोर। सो फोर इज एन एडिटिव इनवर्स फॉर नंबर माइनस फोर, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने पांच प्रॉपर्टीज देखी। पहली क्या, क्लोजरनेस। मतलब क्या, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए प्लस बी भी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर, ठीक है। बाद में देखी कम्यूटेटिविटी, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन रहेगी। असोसिएटिविटी क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, मतलब एडिशन कैसे भी करो ए के आने वाला है। देन आइडेंटिटी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर बी इज इक्वल टू जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ए आई एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एंड देन ए प्लस समथिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इज जीरो। सो हियर फिल इन द ब्लैंक्स इज, इट इज एडिटिव इनवर्स। अब एक बात का जवाब दो मुझे, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने आइडेंटिटी को क्यों प्रूव किया, इनवर्स भी तो प्रूव कर सकते थे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि सबसे पहले हमने ए फोर में आइडेंटिटी क्यों फाइंड की, इनवर्स क्यों नहीं फाइंड किया। बाद में आइडेंटिटी आ सकती थी ना, शफल तो कर सकते थे ना प्रॉपर्टीज, शफल तो कर सकते थे प्रॉपर्टीज। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक का कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब देखो, इनवर्स के प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या लग रहा है, जीरो, विच इज एन आइडेंटिटी। सो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ध्यान में रखो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखा और बाद में इनवर्स को फाइंड किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ओरल में पूछे जा सकती है, कि भाई ऐसा क्यों। सो बी केयरफुल। अब ये तो हो गई एडिशन की, अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखो एम वन, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम, क्लोजरनेस। अगर दो नंबर है जो रियल नंबर में जा रहा है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर जाएगा, रियल नंबर के अंदर। मतलब थ्री कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, देन थ्री इंटू टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कितना आता है ये, सिक्स। सिक्स भी रियल नंबर के अंदर जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है।
सेकेंड वन कम्यूटेटिविटी। मतलब क्या, थ्री मतलब कोई भी दो नंबर ले लो जो रियल में जा रहे हैं, सो उनका प्रोडक्ट भी सेम होगा। मतलब आप इस तरह से करो या उस तरह से करो, मतलब क्या, थ्री एंड सिक्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो 3 × 6 इज अ 6 × 3, बोथ आर इक्वल लाइक दिस। नेक्स्ट वन असोसिएटिविटी, यहाँ पर भी सेम, तीन नंबर है। अगर यहाँ पे सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट लेके बाद में तीसरे से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज पहले तो एज इट इज रखा, दूसरे का प्रोडक्ट लिया, दूसरे बचे हुए दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो दोनों सेम आते। मतलब अगर यहाँ पे 4, 5, 2 लिया, ठीक है, ये तीन नंबर है रियल नंबर में जा रहे हैं, तो 4 × 5 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज 4 को एज इट इज रखा और बचे हुए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाता है, 5 × 4 = 20 × 2, 5 × 2 = 10, 40 = 40। देखो बोथ आर सेम, सो दैट्स व्हाई असोसिएटिविटी होल्ड। नेक्स्ट वन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, ए प्लस समथिंग इज अगेन ए, सो यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, ए इंटू समथिंग इज अगेन ए। हाँ, फर्क समझ लो, वहां पे ए प्लस था, यहाँ पे ए इंटू था। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दू, लाइक एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाए, ए इंटू 0 इज 0, सो हमें वो डिजायरेबल आंसर नहीं मिलेगा जो चाहिए हो, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1। समझ रहे हो ना, ए इंटू 1 इज ए, देयरफॉर आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ध्यान में रखो। सिमिलर पैटर्न में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये लिखने का तरीका है बस, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, अदरवाइज बी इंटू ए इज ऑल्सो 1। तो मुझे एक बात बताओ, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू 1/a ना, इट इज इनवर्स, फाइनली इनवर्स है ना ये, इनवर्स मीन्स वॉट, हमें आइडेंटिटी देगा दोनों का प्रोडक्ट। एडिशन में क्या था, दोनों के एडिशन हमें आइडेंटिटी देगा, दैट इज 0। समझ रहे हो इस तरह से, तो यहाँ पे इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स यूज करो जो आपने 10th तक पढ़ी है, तो मुझे एक बात बताओ, ए इंटू बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1/a, ये मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉमन सेंस, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये होगी 5, लास्ट वन की 5, 10 होगी, एंड द फाइनल वन इज मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ठीक है, तीन नंबर है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर ए इंटू बी प्लस सी, दैट इज पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ए बी, एंड देन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज ए सी। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 है, सो 2 बाहर रह गए, 2 × 1 + 3, सो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2 × 3, दैट इज 2, दैट इज 6, 8। यहाँ पर भी वही आंसर आ गया, 3 + 1, 4 × 2, दैट इज 8। देखो आ रहा है या नहीं, इस तरह से। अब आप बोलोगे ये सब तो हमें पता है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो ये पढ़ने की जरूरत इसलिए क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के अंदर आप फिजिक्स गेम जैसा नहीं होता, ये बात समझ लो, मैथ्स के अंदर फिजिक्स गेम जैसा हाइपोथेसिस नहीं होता, एज्यूम दैट, आपने कभी सुना है एकदम परफेक्ट आंसर फिजिक्स में, कभी देखा है नहीं, हाइपोथेसिस होते हैं, लेट एज्यूम दैट, हाँ मैथ्स में ऐसे नहीं होता, मैथ्स में 2 = 2 ही आता है, 2 = 3 कभी नहीं आता, ध्यान में रखो, दैट से आपको इसके पीछे के रीजन पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब आगे जो थ्योरम्स आएंगे उसमें आप देखोगे कि अरे ये तो हम कितना इजीली कर लेते थे भाई, इसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक है, ये आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेंगे। ठीक है, सो गाइस, और हाँ एक बात, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सो ये मैं निराली पब्लिकेशन को आपकी टेक्स्ट बुक मान के चल रहा हूँ, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे सम्स भी लूंगा, अनसॉल्व सॉल्व नहीं, अनसॉल्व सम एंड अदर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज थेरम्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।